नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष साहू आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन अब ऑनलाइन तैयारी में। हमने स्टेबिलिटी के दो लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। पहले लेक्चर में हमने देखा था कि स्टेबिलिटी के क्या होता है, स्टेबिलिटी के टाइप्स क्या है और स्टेबिलिटी का एनालिसिस स्टडी क्यों करते हैं, इसके बारे में मैंने आपको पहले लेक्चर में बता दिया था। उसके बाद सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने स्टेबिलिटी लिमिट्स देखा था कि ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी लिमिट क्या है, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी की लिमिट क्या होता है, इनफाइनाइट बस के बारे में हमने जाना था। उसके बाद मैंने आपको बताया था पावर एंगल कर्व के बारे में। पावर एंगल कर्व पी इक्वल टू क्या था, पी मैक्सिमम साइन डेल्टा था। इसके बाद इसमें हमने देखा था कि इसका वेरिएशन जो है पावर का इस तरीके से, तो ये जो है आपका बताता है हमारा पावर एंगल कर्व, पावर का वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू डेल्टा। तो इस तरीके से था, ये जो है हमारा जनरेटर पोर्शन के लिए था पी मैक्सिमम और ये डेल्टा है ना, डेल्टा इक्वल टू पाई बाई टू, तो पाई बाई टू मैक्सिमम था ये पाई। और ये जो निगेटिव पोर्शन आप दिख रहे हैं, ये जो दिख रहा है आपका पोर्शन, ये आपके मोटर ऑपरेशन के लिए होता है और ये आपका जनरेटर के लिए होता है। अगर वहाँ पर आप लोगों ने नहीं लिखा है तो बिल्कुल यहाँ पर इसको नोट कर सकते हैं इस तरीके से। तो जनरेटर और मोटर के लिए इस तरीके से, जनरेटर में अप साइड बनेगा, मोटर के लिए डाउन साइड बनेगा। तो ये यहाँ तक मैंने आपको चीज़ें कम्प्लीट की थी। इसके बाद हमको देखना है आज स्टेबिलिटी में हमारा जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है स्विंग इक्वेशन। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्विंग इक्वेशन, जो कि आपके हर साल एग्जाम में आपसे पूछा जाता है स्विंग इक्वेशन। स्विंग इक्वेशन अब ये क्या चीज़ है, इसके बारे में स्टडी करना है हमको, क्या चीज़ें हैं स्विंग इक्वेशन के बारे में। तो जो भी सिंक्रोनस मशीन है उसका ट्रांजिएंट एनालिसिस जब करते हैं, जब लार्ज डिस्टर्बेंस आता है उस समय जब उसकी एनालिसिस करते हैं, तो जो उसका बिहेवियर होता है सिंक्रोनस मशीन का, उस बिहेवियर को हम स्विंग इक्वेशन से दर्शाते हैं। तो सबसे पहले आप इसका डेफिनेशन लिखेंगे, द बिहेवियर ऑफ the behavior of synchronous machine during transient is described by swing equation। तो स्विंग इक्वेशन जो है आपका बिहेवियर कैसा रहता है ट्रांजिएंट के एनालिसिस के टाइम, वो हमको बताता है। तो जहाँ यहाँ तक आप जल्दी से नोट कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो किसी द बिहेवियर ऑफ सिंक्रोनस मशीन ड्यूरिंग ट्रांजिएंट इज डिस्क्राइब्ड बाय स्विंग इक्वेशन। अगर हमारा कोई सिंक्रोनस जनरेटर है या मोटर है इस तरीके से रखा हुआ है, आपका सिंक्रोनस मशीन इस तरीके से मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, इस तरीके से अगर हमारा सिंक्रोनस मशीन है, जनरेटर है, इसका स्टेटर और रोटर, तो जब भी इसमें कुछ फॉल्ट होगा एनालिसिस करेंगे, तो इसका बिहेवियर, इसमें स्टेटर का रोटर का, इसका बिहेवियर को हमको यहाँ पर एनालिसिस करना रहता है। तो देखते हैं दोस्तों, किसी इसी मोमेंट पे अगर हमारा इक्वेशन है थीटा बराबर ओमेगा टी प्लस डेल्टा, इस तरीके से ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ये थीटा का पोजीशन बता रहा है किसी मोमेंट पे। जैसे हमारा वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन होता है, सिमिलर वे में इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा है। अब आपको क्या करना है, इसका एक बार डिफ्रेंशिएट कर देना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डी थीटा बाई डी टी करेंगे। तो ये देखिए, इसका इस टी के सापेक्ष अवकलन ओमेगा हो जाएगा, प्लस इसका अवकलन डी डेल्टा बाई क्वेश्चन नंबर वन देते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, इसका एक बार डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर होगा, दैट इज इक्वल टू डी स्क्वायर डेल्टा बाई
डी टी स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर थ्री। तो ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं स्विंग इक्वेशन, इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, पहले यहाँ तक आपको नोट करना है। इट इज़ कॉल्ड एंगुलर एक्सीलरेशन, इट इज़ कॉल्ड एंगुलर एक्सीलरेशन, इसको एक्सीलरेशन बोलते हैं, एक्सीलरेशन, एंगुलर इन रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद इसके बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे, अभी पहले यहाँ तक आपको नोट करना है। तो एक जो ये है आपका थीटा, रोटर का पोजीशन, रोटर पोजीशन एट टाइम टी, इस तरीके से आपको लिखना है। एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ तक मिल जाएगा। अब जो टी ए है, शाफ्ट में एक्सेलरेटिंग पावर होता है, टी ए बराबर होता है टी एस माइनस टी ई, जहाँ पर टी ए क्या है, दैट इज एक्सेलरेटिंग टॉर्क, टी एस क्या है आपका शाफ्ट टॉर्क, और टी ई क्या है हमारा इलेक्ट्रो मैग्नेटिक टॉर्क। यहाँ तक जल्दी से नोट करेंगे। अब ये इक्वेशन नंबर आपका ये थ्री हो गया, इक्वेशन नंबर ये फोर। इस फोर को याद रखेंगे, एक्सेलरेटिंग टॉर्क टी एस माइनस टी होता है। अब टी ए बराबर क्या होता है, इसमें ओमेगा गुणा करेंगे दोनों पक्षों में, ओमेगा टी ए बराबर ओमेगा टी एस माइनस ओमेगा टी ई। ओमेगा टी ए का मान होता है पी ए बराबर पी एस माइनस पी ई। पी एस क्या है, शाफ्ट का पावर हो जाएगा, ओमेगा टी को पावर बोलते हैं, तो ये एक्सेलरेटिंग पावर होगा, पी एस माइनस पी ई। यहाँ तक नोट करेंगे जल्दी से। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब ये जो टी ए है इज इक्वल टू होता है डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर थीटा जे, और डी स्क्वायर डी डेल्टा किसके बराबर है, डी स्क्वायर डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, जे डी स्क्वायर डेल्टा बाई डी टी का स्क्वायर, ये हो जाएगा टी ए। अब यहाँ यहाँ ओमेगा इंटू टी ए है, तो ओमेगा दोनों साइड गुणा करेंगे, तो ओमेगा इंटू टी ए इक्वल टू पी ए बराबर ओमेगा इंटू जे डी स्क्वायर डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर, और ओमेगा जे को बोलते हैं हम लोग एम डी स्क्वायर डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर। तो इस मान को इस समीकरण में रख सकते हैं, समीकरण नंबर इसको पाँच देता हूँ, समीकरण पाँच में इसका मान रखेंगे, तो ये एम डी स्क्वायर डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर बराबर पी एस माइनस पी ई, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्विंग इक्वेशन, इसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं स्विंग इक्वेशन। जल्दी से यहाँ पर नोट करेंगे, यहाँ तक जल्दी से। तो ये जो इक्वेशन है आपको क्या बता रहा है, ये m, m को बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम, इसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम, m बराबर होता है j टाइम्स ऑफ ओमेगा, और यहाँ पर डेल्टा है मतलब लोड एंगल आपका, और आपको पी एस माइनस पी ई बराबर पी ए के बराबर, दैट इज एक्सेलरेटिंग पावर। तो इन तीनों में जो संबंध बताता है उसी को हम बोलते हैं स्विंग इक्वेशन। एक बार फिर से देखिए इस तरीके से, देखिए कहाँ से स्टार्ट किया था हमने, द बिहेवियर ऑफ सिंक्रोनस मशीन इन ट्रांजिएंट एनालिसिस इज डिस्क्राइब्ड बाय द स्विंग इक्वेशन। तो स्विंग इक्वेशन में किसी भी रोटर का पोजीशन हम y इक्वल टू mx वाली लाइन से दर्शाते हैं, तो ये हमारा थीटा r बराबर ओमेगा t प्लस डेल्टा,
इसको एक बार अवकलन करेंगे, एक बार और अवकलन करेंगे, तो आपको जो आएगा ए, इसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेटिंग टॉर्क टी ए बराबर होता है टी एस माइनस टी ए, जहाँ टी ए क्या है एक्सेलरेटिंग टॉर्क, टी एस क्या है शार्प टॉर्क, टी क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। तो इसमें हम ओमेगा गुणा कर दिए, तो ओमेगा को गुणा कहेंगे ओमेगा इंटू टी ए, ओमेगा इंटू टी एस, ओमेगा इंटू टी। तो ये जो है ओमेगा इंटू टी को बोलते हैं हम लोग पावर, तो ये पावर पी ए के बराबर हो जाएगा पी एस माइनस पी ई। तो यहाँ से अब ये इसको आपको लिखना पड़ेगा वी नो दैट करके, ये वी नो दैट टी ए बराबर कितना होता है जे डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, है ना। तो ये इस तरीके से हो जाएगा टी ए बराबर जे डी स्क्वायर डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर। तो यहाँ से आपको ओमेगा इंटू टी बराबर क्या हो जाएगा ओमेगा इंटू एम, इसका मान होता है एम डी स्क्वायर डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर। इस मान को यहाँ रख देंगे एम डी स्क्वायर डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू पी एस माइनस पी। इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं स्विंग इक्वेशन। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, जल्दी से आपको इसको नोट बना लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे, ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा इस इक्वेशन को, यहीं तक इस तरीके से आप डेरिवेशन करेंगे आपसे याद रहता है। दस ये 10 नंबर का पूछता है स्विंग इक्वेशन क्या है और स्विंग कर्व को समझिए करके। उसके बाद हेडिंग डालेंगे स्विंग कर्व, तो आपको बता दिया मैं स्विंग इक्वेशन क्या है, द बिहेवियर ऑफ सिंक्रोनस मशीन ड्यूरिंग ट्रांजिएंट इज डिस्क्राइब्ड बाय द स्विंग इक्वेशन। तो ये यहाँ तक आपका कंप्लीटेड है। इसके बाद हम हेडिंग डालेंगे स्विंग कर्व, चलिए जल्दी से हेडिंग डालिए स्विंग कर्व। स्विंग कर्व अब ये क्या चीज है, तो आपको क्या करना है, इसी को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं डेल्टा वर्सेस टाइम। अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो इसका ग्राफ जो है आपका इस तरीके से मिलता है, इस तरीके से, इस तरीके से ग्राफ मिलता है। अगर दो ग्राफ मिलता है, अगर इस टाइप का ग्राफ मिला तो मशीन जो है हमारा अनस्टेबल रहता है, और इस टाइप से जो ग्राफ मिलता है तो मशीन हमारा स्टेबल रहता है। तो आप लिख लेंगे द वेरिएशन ऑफ लोड एंगल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज स्विंग कर्व। तो स्विंग कर्व क्या है, जो हम किसी डेल्टा का वेरिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में दर्शाते हैं, तो ये जो ग्राफ है हमारा, इस ग्राफ को हम बोलते हैं स्विंग कर्व। इस तरीके से आपको नोट करना है जल्दी से, ठीक है दोस्तों। तो आज के लेक्चर में हमने केवल स्विंग इक्वेशन के बारे में पढ़ा है, तो स्विंग इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो एक इसका छोटा सा वीडियो मैंने आपको बताया, इसको नोट करके बढ़िया से आपको नोट करना है और ग्रुप में सेंड करना है नोटिफिकेशन के साथ, नोट के साथ। आपका अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।